हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज बात करते हैं एक और वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमें इस बार मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय की तरफ से देखने को मिल रही है। ये वैकेंसी आई है 4 यंग प्रोफेशनल के लिए और आई है मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो आइए जानते हैं कि किस बेसिस पे जो की है ये एलिजिबल कैंडिडेट्स को एलिजिबल मान रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एज लिमिट क्या है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन से होना चाहिए और एट दी एंड की ये सैलरी क्या दे रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन क्या है, इन सब के बारे में आइए बात करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि MSME यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, MSME डिवीजन जो है, MSME जो है मिनिस्ट्री, वहां पे उनके बजट डिवीजन के लिए जो की है 4 पोस्ट निकाली गई है यंग प्रोफेशनल्स के लिए। अब देखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें 4 पोस्ट ही तो निकली है, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, इनको चाहिए कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो IT में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, इको में है, मतलब इन शॉर्ट कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, पहली चीज, इसलिए ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, जो वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, एज इन आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल में लिखा है कि हाँ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट रिलेटेड, बजट रिलेटेड, तो डैट इज मतलब अ प्लस और लाइक एन एड ऑन, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। उन्होंने ये साफ साफ वहां लिख के क्लैरिफाई कर दिया है, तो ये अगेन एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय का। अगर आपके पास टैग लग जाता है, अगर आपके एक्सपीरियंस में, आपके रिज्यूमे में ये ऐड हो जाता है, तो ये जो कि है आपको फर्दर बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देगा, आपके रिज्यूमे को जो कि है और लोगों के रिज्यूमे के मुकाबले ज्यादा बेटर बना देगा, तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऐसे भी है। अगर हम तीसरी पॉइंट पे बात करें जो कि है कि मास्टर्स की डिग्री अनिवार्य है कि नहीं, मास्टर्स की डिग्री में भी इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपकी मास्टर्स की डिग्री अगर है, दैट इज डिजायरेबल, तो ये अच्छी बात है। डिजायरेबल में उन्होंने लिखा है कि इफ यू हैव योर मास्टर्स डिग्री दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट पोजेस वन देन इट इज नॉट मैंडेटरी, यानी मास्टर्स की डिग्री भी मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की तरह, सिर्फ आपके ग्रेजुएशन की डिग्री मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि ये टेन्योर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो यंग प्रोफेशनल की पोस्ट निकली है, 4 जो पोस्ट निकली है बजट डिवीजन के लिए MSME में, ये जो कि है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है यानी अस्थाई है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज कि देखिए, ये जो कि है एक्सटेंशन के बेसिस पे, यानी ये पहले तो 1 साल के लिए है और 1 साल के बाद जो कि ये एक्सटेंड होके अप टू 3 इयर्स तक जा सकता है, यानी 4 साल तक अगर आप मानो पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते करते भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो और आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप कमा भी रहे हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपके साथ मिनिस्ट्री का टैग जुड़ रहा है, दैट इज अनदर थिंग, तो ये एक और बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो गई ऐसे। और यहाँ पे देखिए, जो सैलरी ये पे कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ आप कह सकते हो कंसोलिडेटेड लमसम अमाउंट रेम्यूनरेशन के तौर पे जो ये पे कर रहे हैं वो भी काफी अच्छी है, 60,000 स्टार्टिंग है। और देखिए, हर साल के बाद जो कि है ये एनहांस होती है, इसमें जो कि हर साल के बाद एडिशंस होते हैं, तो दैट इज अगेन अ प्लस हियर। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये द नेचर ऑफ वर्क, कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, देखिए ये वर्क क्योंकि बजट डिवीजन में है तो ये पॉलिसी मेकिंग है, डाटा एनालिसिस है, आपका आप कह सकते हो मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क, पॉलिसी नेचर का जो वर्क होता है, जो मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क होता है वो सब जो की है, बजट एस्टिमेट्स का जो वर्क होगा वो सब जो की है आपसे यहाँ पे उम्मीद की जाएगी कि आप वो सब जो की है यहाँ पे फुलफिल करो, आप वो सब जो की है यहाँ पे पूरा करो। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये जो वैकेंसी निकली है, अगर आप इसको मिलाजुला कर देखो तो 60,000 कमाने का मौका है, पढ़ाई के साथ साथ आप कर सकते हो, पहली चीज MSME में है, मिनिस्ट्री का टैग लग रहा है वो आपके लिए एक प्लस हो गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका मास्टर्स का डिग्री है जो बहुत सारे जगह पे अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, तो आई थिंक ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है और आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। आपके पास सैलरी के साथ साथ एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का गवर्नमेंट लेवल पे एक आपके पास टैग जुड़ जाता है और साथ ही साथ जो कि ये आपके CV को एनहांस करता है। यहाँ पे 1 साल तो स्टार्टिंग
में आपको काम कराया ही कराया जाएगा, उसके बाद भी जो कि आपका एक्सटेंशन दिया जाएगा जो कि 3 साल तक चल सकता है, तो ये यहाँ पे भी एक प्लस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एमएसएमई की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यंग प्रोफेशनल्स को। 4 यहाँ पे वैकेंसीज है। देखिए, आई थिंक कि जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है या जो लोग जो कि पढ़ाई करते साथ साथ जो कि कुछ कमाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते, तो उनके लिए जो कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब बात आती है कि देखिए ये जो सीवी है वो आपको भेजना कहाँ है, ये जो आप देख सकते हो एमएसएमई पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, वहां पे भी जो कि ये जो फॉर्म इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, इन्होंने जो सर्कुलर में डेट मेंशन किया है वो अगस्त 2022 का जो डेट है वो इनके प्रोजेक्ट का डेट है ना। तो ये जो सर्कुलर जब इन्होंने निकाला है, यानी अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने सर्कुलर इशू किया है, तो सर्कुलर इशू करने के मतलब सर्कुलर इशू करते से 15 दिन का टाइम इन्होंने आपको दिया है। तो अभी आई थिंक कि आपके पास अक्टूबर 10th तक का समय जरूर है कि आप जो की है अप्लाई कर सकोगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, उसका लिंक जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भर के जो एनेक्सो 1 में मेंशन है सर्कुलर के साथ, वो भेजना कहाँ है उसका भी जो कि है जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो जो कि आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपको जरूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज स्टे ट्यून, थैंक यू।